मैं अपने जैसे को कह रहा था कि सही मायने में जो पत्रकारिता का धर्म है आप लोग निभा रहे हैं, ये मैं यहाँ अगर नहीं कह रहा, हम चर्चा भी कई बार करते हैं तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग मन भी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस गांव कस्बे रूपी वादी से निकल कर जो व्यक्ति पंचकूला तक पहुँचे हैं उन्हें कोई ना कोई भगवान ने ऐसी ताकत दी है, ऐसी कोई बात रखी है कि आज उनका कार्यालय पंचकूला में भी है। इनका कार्यालय होना हम सब के लिए भी लाभदायक है। आप सब परिचित भी होंगे, कहीं भी होंगे, इनके पास किसी काम से हम चंडीगढ़ जाएँ तो राजेश जी वहाँ मौजूद होते हैं। तो मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि हम कितने भी जिले के पत्रकार हैं, हमसे वरिष्ठ हैं या कैसे भी हैं, हमारे कितने संगठन बने हुए हैं, लेकिन मैं इन दोनों भाइयों को, इनकी पूरी टीम को दिल से अभिनंदन करता हूँ, दिल से मैं इनका स्वागत करता हूँ कि इन्होंने पत्रकारिता को जीवित रखने में अपना पूरा जीवन जो है ऐसे जैसे झोंक रखा। संजय भाटिया जी वर्तमान में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, जैसे श्री मुल्तान सभा, श्री राम मित्र मंडली, अनेक सामाजिक संस्थाओं के वर्तमान में अध्यक्ष श्री संजय भाटिया जी। वीर सिंह जाखड़ जी आप भी पुष्प अर्पित करें। अभिनंदन स्वागत। बागली में समाचार कार्य कार्यालय राजेश जी, संजय जी, उनकी पूरी टीम, मैं अभी राजेश जी को कह रहा था कि सही मायने में जो पत्रकारिता का धर्म है आप लोग निभा रहे हैं, ये मैं यहाँ अगर नहीं कह रहा, हम चर्चा भी कई बार करते हैं तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग मन भी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस गांव कस्बे रूपी वादी से निकल कर जो व्यक्ति पंचकूला तक पहुँचे हैं उन्हें कोई ना कोई भगवान ने ऐसी ताकत दी है, ऐसी कोई बात रखी है कि आज उनका कार्यालय पंचकूला में भी है। इनका कार्यालय होना हम सब के लिए भी लाभदायक है। आप सब परिचित भी होंगे, कहीं भी होंगे, इनके पास किसी काम से हम चंडीगढ़ जाएँ तो राजेश जी वहाँ मौजूद होते हैं। तो मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि हम कितने भी जिले के पत्रकार हैं, हमसे वरिष्ठ हैं या कैसे भी हैं, हमारे कितने संगठन बने हुए हैं, लेकिन मैं इन दोनों भाइयों को, इनकी पूरी टीम को दिल से अभिनंदन करता हूँ, दिल से मैं इनका स्वागत करता हूँ कि इन्होंने पत्रकारिता को जीवित रखने में अपना पूरा जीवन जो है ऐसे जैसे झोंक रखा है। अब रही बात पत्रकारिता दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो दो शब्द उसके मैं कहूँगा कि जैसे राजेश ने बहुत कुछ कह दिया है कि हम लोगों के लिए भी कई बार ये हंसते हुए चेहरे पीछे पीछे भी कम होता है, लेकिन कारण क्या है कि हम अपने कम को हर जगह बयान नहीं कर सकते। तो जैसे राजेश जी ने कहा कि 1% पत्रकार हैं जिन्हें सरकार के द्वारा वो भी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं, बाकी 99% बेचारे अपने बलबूते पे जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं तो संजय राठी जी आज हमारे बीच हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनसे भी निवेदन करूँगा कि जैसे थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है कार्यक्रम ऊपर का, तो वो भी एक बार फिर से इसको थोड़ा उठाएँ, थोड़ा कोई बात नहीं, कोरोना काल इसके बाद हो जाएगा, तो हम आपके साथ हैं। पत्रकारों के लिए जो भी अच्छी योजनाएं हैं सरकार चलाए तो ये लाभदायक रहेगा, इससे हम लोगों को बड़ा उत्साह भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः राजेश जी का, संजय जी का बड़ा बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ इस कार्यालय में आज हिंदी पत्रकार का दिवस के उपलक्ष्य में। आज देखिए 195 साल हो गए हैं आज हिंदी पत्रकार का जो दिवस हम मना रहे हैं, तो 195 साल पहले हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ साप्ताहिक, तो आज तक कुछ कार्य को जीवित रखने में एक बार फिर राजेश जी आपका, संजय जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद।